दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश में यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी ग्रुप ए सर्विसेज के एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। और इन सभी एग्जाम्स में सबसे पॉपुलर एग्जाम है सीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसे कई लोग डायरेक्ट यूपीएससी एग्जाम और आईएएस एग्जाम भी कहते हैं। ये एग्जाम सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में से एक है। हर साल इसकी 1000 से भी कम वैकेंसीज के लिए लगभग 10 से 12 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक कैंडिडेट को कम से कम भी 1.5 से 2 साल की कंटिन्यूस प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो इसे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाते हैं। इस एग्जाम के थ्रू हमारे देश के टॉप लेवल सिविल सर्विसेज जैसे आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस एटसेट्रा की रिक्रूटमेंट की जाती है। इस वीडियो में हम इस एग्जाम के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, जैसे यूपीएससी सीएससी का स्टेप वाइज प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, वैकेंसीज और प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स एटसेट्रा। सबसे पहले देखते हैं यूपीएससी सीएससी का स्टेप वाइज प्रोसेस क्या है। प्रोसेस में सबसे पहले आता है यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन, जो upsc.gov.in पे जारी किया जाता है, जिसमें सीएससी से जुड़ी सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे एग्जाम का शेड्यूल, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट्स, सिलेबस एटसेट्रा से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। फिर नोटिफिकेशन में दी गई डेट्स के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स होता है, उसमें से करीब 15,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उनके लिए फिर मेंस एग्जाम होता है। उसमें से फिर करीब 2.5 से 3,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है और फिर लास्ट में मेडिकल टेस्ट भी होता है और आखिर में फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। अब कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होता है, किसके मार्क्स जुड़ते हैं किसके नहीं, उसकी बात हम एग्जाम पैटर्न में करेंगे। उससे पहले बात करते हैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जनरल कैटेगरी में इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपकी एज 21 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए और ये एज एग्जाम ईयर की 1 अगस्त के बेस पे कैलकुलेट की जाती है। और जनरल कैटेगरी में इस एज की लिमिट के अंदर मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट अलाउड होते हैं। कोई भी अटेम्प्ट तभी काउंट होता है जब कैंडिडेट कम से कम प्रीलिम्स एग्जाम में अपीयर होता है। जो कैंडिडेट्स सिर्फ फॉर्म भर के बाय चांस एनी रीजन एग्जाम्स नहीं दे पाते हैं तो उनका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। ये तो हो गई जनरल कैटेगरी की बात। इस एग्जाम में रिजर्व कैटेगरीज के लिए हर कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन और अटेम्प्ट रिलैक्सेशन भी होते हैं। जैसे ओबीसी एनसीएल के लिए मैक्सिमम एज 35 ईयर्स और 9 अटेम्प्ट अलाउड होते हैं। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 37 ईयर्स और अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं। इसी तरीके से और भी कैटेगरीज होती हैं जिनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो यूपीएससी सीएससी के नोटिफिकेशन या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें अगर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इस एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स के पास बेसिक ग्रेजुएशन यानी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। नेक्स्ट बात करते हैं यूपीएससी सीएससी के एग्जाम पैटर्न की, तो ज़्यादातर ऑफिसर एग्जाम्स की तरह ये भी एक 3-tier एग्जाम होता है, जिसमें टीयर 1 पे प्रीलिम्स, टीयर 2 पे मेंस और टीयर 3 पे इंटरव्यू होता है। बात की जाए एग्जाम टाइप्स की तो प्रीलिम्स सब्जेक्टिव्स, मेंस सब्जेक्टिव्स और इंटरव्यू वर्बल टाइप का होता है। बात करें टीयर 1 प्रीलिम्स की तो इसमें एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीसेट। दोनों ही पेपर्स 200-200 मार्क्स के होते हैं और दोनों में MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें सी सेट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी उसमें सिर्फ 33% यानी 66.67 आउट ऑफ 200 मार्क्स चाहिए होते हैं। और GS यानी जनरल स्टडीज़ के बेस पे मेरिट बनती है और टीयर 2 मेंस एग्जाम्स के लिए कट ऑफ निकाली जाती है। यानी जो कैंडिडेट सी सेट में कम से कम 33% मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, और 33% के ऊपर चाहे कैंडिडेट कुछ भी स्कोर करे मायने नहीं रखता, क्योंकि प्रीलिम्स की कट ऑफ सिर्फ प्रीलिम्स के जीएस पेपर के स्कोर के बेसिस पे ही निकाली जाती है। एग्जाम होने के लगभग 1 महीने के आसपास यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के रोल नंबर्स की लिस्ट जारी कर देता है। फिर होता है टीयर 2 यानी मेंस, जिसमें सब्जेक्टिव यानी रिटन एग्जाम होता है। इसमें लगातार 5 दिन में टोटल 9 पेपर्स होते हैं, इंग्लिश, इंडियन लैंग्वेज, एसए, GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। ऐसे पेपर में 2 ऐसे लिखने होते हैं। दोनों ऐसे के लिए ऑप्शन मिलते हैं जिनमें से कैंडिडेट अपनी मनपसंद के टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। GS1 पेपर में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी,
और सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स कवर्ड होते हैं। GS2 पेपर में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस एटसेट्रा सब्जेक्ट्स कवर्ड होते हैं। GS3 पेपर में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर जैसे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। GS4 पेपर में एथिक्स, एप्टीट्यूड, इंटेग्रिटी आते हैं। ऑप्शनल पेपर 1 और 2 में एक ही सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इन 9 पेपर में से पहले दो इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज पेपर 300-300 मार्क्स के होते हैं और ये भी CSAT की तरह क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। हालांकि इनमें कैंडिडेट्स को सिर्फ 25% यानी 75 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। बाकी 7 पेपर्स 250-250 मार्क्स के होते हैं और इन सभी का टोटल यानी आउट ऑफ 1750 में से जो स्कोर बनता है उसके बेस पे इंटरव्यू की कट ऑफ निकाली जाती है। सभी कैंडिडेट्स को इंडियन लैंग्वेज पेपर में दिए गए इन सब्जेक्ट्स में से अपनी मनपसंद की लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिलता है और ऑप्शन पेपर 1 एंड पेपर 2 जो एक ही सब्जेक्ट के होते हैं वो भी दिए गए इन सब्जेक्ट्स में से अपनी मनपसंद का चूज कर सकते हैं। जनरली कैंडिडेट इसमें ऐसा सब्जेक्ट चूज करने की कोशिश करते हैं जिसका उन्हें पहले से आइडिया हो, जैसे या तो वो सब्जेक्ट उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा हो या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जिससे उन्हें GS के किसी पेपर में काफ़ी हेल्प मिलती हो। इनके अलावा सभी पेपर्स सभी कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होते हैं। अगर कोई कैंडिडेट बाई चांस अपने लैंग्वेज पेपर में 25% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता है तो वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसके बाकी पेपर चेक ही नहीं किए जाते। अगर चेक भी किए जाते होंगे तो उसका कोई पॉइंट नहीं रहता क्योंकि कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो चुका होता है। सभी कैंडिडेट्स के पेपर चेक होने के बाद उनके मेन स्कोर्स के बेसिस पे टोटल वैकेंसीज के लगभग 2.5 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेजा जाता है और फिर होता है Tier 3 यानी इंटरव्यू जो 275 मार्क्स का होता है जिसमें कैंडिडेट की पर्सनैलिटी टेस्ट की जाती है। ये होने के बाद सभी कैंडिडेट्स का मेडिकल टेस्ट होता है। जो कैंडिडेट्स मेडिकली फिट पाए जाते हैं उनके Tier 2 और Tier 3 यानी मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन करके आउट ऑफ 2025 मार्क्स की एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है जिसके बेसिस पे फाइनल रिकमेंडेशन लिस्ट जारी की जाती है और सभी सक्सेसफुल कैंडिडेट को उनकी रैंक के अकॉर्डिंग सर्विस अलॉट कर दी जाती है। नेक्स्ट बात करें UPSC CSE की वैकेंसीज की तो इस एग्जाम के थ्रू 2 ऑल इंडिया सर्विस और अदर सेंट्रल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट की जाती है। ऑल इंडिया सर्विस में आती है IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस और सेंट्रल सर्विस में आती है IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंडियन PNT अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन ट्रेड सर्विस एट्सेट्रा। अब अगर ईयर वाइज हम वैकेंसीज की बात करें तो रिसेंट CSE 2022 में टोटल 861 वैकेंसीज आई हैं। बात करें 2013 से 2021 की तो 2013 में टोटल 1228 वैकेंसीज थी, फिर 2014 में ये 1364 हुई, फिर 2014 के बाद से हर साल इसकी टोटल वैकेंसीज में गिरावट आती गई। 2015 में 1164, 2016 में 1209, 2017 में 980, 2018 में 812, 2019 में 829, 2020 में 796 और 2021 में 712। हर साल सभी सर्विसेज में ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के हिसाब से कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डेटा कलेक्ट करके UPSC को भेज दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग UPSC नोटिफिकेशन जारी करता है। नेक्स्ट अब बात करें UPSC CSE की कट ऑफ्स की, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए लगभग कितना स्कोर करना पड़ता है। CSE 2021 में जनरल कैटेगरी के लिए प्रीलिम्स एग्जाम से कट ऑफ गई है 87.54 आउट ऑफ 200 यानी 43.77% और मेन एग्जाम की कट ऑफ गई है 745 आउट ऑफ 1750 यानी जस्ट 42.57% और फाइनल रिकमेंडेशन लिस्ट जो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करके बनाई जाती है उसकी कट ऑफ गई है 953 आउट ऑफ 2025 यानी अप्रॉक्सीमेटली 47%। बाकी सभी कैटेगरीज की कट ऑफ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें 2016 से लेकर 2021 तक की ईयर वाइज प्रीलिम्स की कट ऑफ की तो 2016 में कट ऑफ रही थी 116 मार्क्स, 2017 में कट ऑफ रही थी 105.34, 2018 में रही थी 98 मार्क्स, 2019 में भी रही थी 98 मार्क्स, 2020 में रही थी 92.5 मार्क्स।
यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स की कट ऑफ कम होती जा रही है, जिसका मतलब है कि हर साल पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ये थी यूपीएससी सीएससी पे हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही किसी और एग्जाम पे या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।